एक कैमरा है मी वीडियो बनवणार। सो गाइस मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक तारीख को कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाए और आज है दो तारीख। आज आए थे हम फाउंटन, एक बार गए बोरीवली और एक बार गए हम थाने, लेकिन काम नहीं हुआ। तो हम विरार जा रहे हैं सेकेंड हैंड कार के मार्केट में जा रहे हैं। जस्ट विरार यहाँ से आ गई है मार्केट में और ये रहा अपना अगेन नोवेल्टी, जहाँ आज मैं और भीमा आए थे। बहुत भूख लगी थी और माई गॉड पेट्रोल तो है नहीं भीमा, ये देख एक बचा है पेट्रोल, खाली एक बचा है यहाँ पे नहीं। हाँ लाल परी विरार पहुँच गए और ये देखिए सब सेकेंड हैंड दुकानें चालू हो गई यहाँ पे। और हमारे एक सब्सक्राइबर भाई मिले हैं, सो वो लेके जा रहे हैं। सडनली मिले वो, सो अच्छा वो मिल गए तो एक दुकान पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे उनके पहचान का है। वैसे भी आजू बाजू बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, जैसे इस साइड भी आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है। अच्छा यही है क्या? ओके सो यहाँ पे हमने एक गाड़ी देखा, नया वाला होंडा सिटी था लेकिन थोड़ा प्राइस ज़्यादा था, मीन्स लाइक 5.75 लाख। ये घूम पाएगा किधर से? कार बार हमने देख लिया है, दो गाड़ी पसंद आई है, एक है होंडा सिटी वी और एक है बलेनो। और ये विरार का फाटक, इतना लंबा ट्रैफिक, हे भगवान अभी भी गाड़ी नहीं आया यार। सो गाइस मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये जो आप देख रहे हो ये है दूसरा दिन और इस वक्त हम थाने में सेम काम करने के लिए आए हैं, घर का पर्सनल काम है। सो दो दिन से थाने बॉम्बे ट्रैवल कर रहे हैं और आज वापस थाने आए हैं। पिछले दो दिन से गाड़ी मस्त बॉम्बे अप डाउन कर रही है, मज़ा आ रहा है चलाने में। और सोच रहा हूँ थाने आया हूँ तो इसका मैं मिरर चेंज कर दूँ, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होता है ये वाला जो है बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुका है और बिना मिरर के ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क हो जाता है यार। पीछे का दिखता नहीं, जब हम गाड़ी ओवरटेक करते हैं तब बिल्कुल समझ नहीं आता क्या करें, गाड़ी चालू ही है। तो यहाँ से 13 किलोमीटर दूर दिखा रहा है KTM शोरूम, जहाँ पर मिरर ले लूँगा, बाकी कुछ टेंशन नहीं है। और ये रहा लोकेशन, यहाँ पर पूरा सुनसान हो गया है। जब हम यहाँ पे थोड़ी देर पहले आए थे तो हम कंफ्यूज थे कि यहाँ पे खाए कि नहीं खाए। लो अब यहाँ पे देखो भीड़ लग गई है। क्या हुआ? अरे मार रहा, देख मार रहा उसको, वो देख कैसा मार रहा उसको, गाड़ी का बम्पर टूट गया ना, उसको चमाट मार दिया। लेकिन वो देख कैसे जेब में हाथ डाल रहा है उसके, मोबाइल छीन लिया, ठोका ना। अरे तो उसके गाड़ी का इंश्योरेंस तो रहेगा ना, तो मारने का क्या हक है यार। सो जो आपको यहाँ से व्यू देख रहा है ये है थाने, बाजू में देखो पाइपलाइन दिख रहा है आपको, उधर कुछ काम भी हो रहा है। क्या हंस रहा है? हेलमेट ले, बैटरी भी इसमें कम है, आजकल इस फोन का बैटरी भी बैकअप बिल्कुल नहीं है, एक ही दिन चलता है। तो दोस्त हमारे अंदर है, तब तो मेरे को बाहर भूख लग के 3:12 हो गए, सोचा था कि हम 2-2:30 बजे घर पहुंच जाएंगे, लेकिन भाई ऐसे ऐसे रूल्स नियम होते हैं ना यार हर चीज़ में। अभी पहले फ़ोन पे काम होता था, अब मेल पे काम हो रहा है। साला मेल का इंतज़ार कर, हम कब मेल आएगा, हम यहाँ से निकलेंगे। ग्यारह बजे का ऑफिस में घुसा घुसा शाम के 5:30 बजे निकले हैं, ये जब सारा काम मेल के वजह से हुआ है। अगर उस आदमी ने फ़ोन पे काम किया रहता तो कब का हो जाता, मेल के भरोसे इसको मेल भेजा, उसको मेल भेजा, अप्रूवल के लिए मेल कब आएगा। जितना टेक्नोलॉजी फास्ट हो रहा है ना, उतना आम आदमी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ये सिर्फ प्रॉब्लम जो ना आम आदमी को होती है, ये मेल वाला फंडा। सो गाइस ये वीडियो यहीं से स्टार्ट हुआ था और यहीं पर ख़त्म नहीं होगा, आगे अभी टाइम है यार। तो ये है राम भरोसे ट्रैफिक, ब्रिज का काम देखो चल रहा है, जल्दी ब्रिज बन जाए। और ये ब्रिज जो बन रहा है बड़ा बन रहा है, अगर ये ब्रिज बन जाएगा तो भाई यहाँ पे ट्रैफिक होना इम्पॉसिबल, लग जाने वाली गाड़ी आराम से जाएगी, आने वाली गाड़ी आराम से आएगी।
अब रहेगा लास्ट वीडियो, क्योंकि इसके बाद बचा है सिर्फ 19 GB बैटरी। और अगेन कंटिन्यू हमारा 3 दिन हो गया यहाँ पे नोवेल्टी, अब पता नहीं कब आएंगे क्योंकि इसके बाद मैं काम में पूरा बिजी, कल से ही काम में बिजी। जिस चीज़ पे MRP फिक्स रहता है, जब लोग उससे ज़्यादा पैसे लेते हैं ना, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता है और उन पे गुस्सा आता है जो वो ऐड बनाते हैं, कहते हैं कि MRP से ज़्यादा देना नहीं है, और बॉम्बे में रह के हम MRP से ज़्यादा दे रहे हैं, तो बहुत गुस्सा आता है। अगर आदमी पहाड़ के ऊपर बेचे, आदमी अगर पहाड़ के ऊपर बेचे, जंगलों में बेचे, तो बात अलग थी। चले क्या, अबे चलना यार। ये जो व्लॉग है मैंने 1 तारीख को स्टार्ट किया था और आज है 5 तारीख, 5 तारीख को ये व्लॉग एंड होगा। और ये आप देख रहे हो मेरे शहर चित्राले का एरिया, जहाँ पे रास्ते का काम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे, अब वो सारे पेड़ कट चुके हैं, अब बन रहा है यहाँ पे बड़ा रास्ता। अब कॉल कौन कर दिया इस टाइम पे, हाँ जस्ट मैं अभी घर पहुँचने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे सामने आप देख रहे हैं अंकल का बैलेंसिंग, देखिए किस तरह अंकल स्कूटर को बैलेंस करके चल रहे हैं, मतलब स्कूटर कहीं और जा रहा है, अंकल का बॉडी कहीं और जा रहा है, लेकिन दोनों को साथ में प्लस कर दे तो एक साथ जा रहे हैं। सो गाइस इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ, 5 दिन से भागम दौड़ी काम था, मुझे लगा कि मैं 1, 2, 3, 4, 5 दिन फ्री रहूँगा, लेकिन उसका सब उल्टा हो गया। 2 दिन दोस्त के काम में लग गया, मतलब दोस्त के काम फैमिली का काम था जिसमें हम थाने अप डाउन कर रहे थे। के बाद एक जो वीडियो मैंने फर्स्ट वीडियो जो डाला दिसंबर का, जो आप लोगों ने देखा और बहुत लोगों ने शेयर किया और बहुत लोगों ने हेल्प किया, मुझे मैसेज भी किए, थैंक यू सो मच यार, अभी भी मतलब ज़रूरत है उनको। सो अभी भी आप वो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए कि आगे वाले भी उनको शेयर करें। लेकिन कोई नहीं, अभी तक भी जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है और आगे भी बहुत अच्छा होते जाएगा। सो इस व्लॉग में यहाँ पे एंड कर दो, जल्दी मिलते दूसरे व्लॉग में, गाइस बाय बाय। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो आपने देखा ये कोरोना नहीं है भाई, कोरोना नहीं है। सो एक चीज़ कहना चाहूँगा, इनकेस कभी एक्सीडेंट होता है छोटा मोटा गाड़ी वाड़ी यहाँ का, जैसे कार का, बाइक से, बाइक का कार से, तो यार कोई किसी पे हाथ मत छोड़ देना, मारना मत यार। जो हुआ वहाँ पे कि वो आदमी उसका मोबाइल वोबाइल छीन लिया और उसको मारने भी लगा, यार मारो मत, गाड़ी घोड़ा है वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आदमी पे हाथ छोड़ दे तो एक्सीडेंट तो कोई जानबूझ कर करता नहीं है, गलती से हो जाती है, कभी उनकी गलती होती है, कभी हमारी गलती है होती है। मैंने भी एक बार 2 एक्सीडेंट हुए हैं और जानबूझ के नहीं हुए, मतलब इस लाइक उनकी भी गलती होती है, हमारी भी गलती होती है, चमाट भी खाए हैं तो, लेकिन उस टाइम बहुत बुरा लगा था। तो प्लीज़ कभी एक्सीडेंट हो तो किसी भी हाथ मत छोड़ देना, मार मत बंदा, बात बात करना है। गाड़ी का इंश्योरेंस भी होता है, जो हो जाता मिलता है इंश्योरेंस में पैसा भरते, तो पैसा रिकवर कैसे होएगा, एक्सीडेंट हो गया भाई कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना, इंश्योरेंस में डाल दो, 2-3 दिन तकलीफ होगा, गाड़ी बन के वापस आ जाता है एकदम टकाटक। बस इतना ही कहना था और कुछ नहीं।